नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कन्या राशि वाले जातकों के लिए 1 से 7 अक्टूबर तक का समय कैसा बीतेगा। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर के साथ किसी भी भाव में स्थित हो सकते हैं। अगर कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको आपकी राशि का पता नहीं तो आप अपना जो प्रचलित नाम है उसके हिसाब से वीडियोज को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम 1 और 2 अक्टूबर की। 1 और 2 अक्टूबर को चंद्रमा मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो कि कन्या राशि के लिए सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे राशि स्थान से। सप्तम भाव में चंद्रमा का ये ट्रांजिट आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। विवाह में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी या वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो दूर होगी। इसके साथ ही आपको आपके लाइफ पार्टनर का अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ग्रोथ होगी। कोई नई बिजनेस में पार्टनरशिप हो सकती है जो आपको आगे आने वाले समय में काफी फायदा देगी। तो ये समय बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस समय में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा इस समय में आप अपने बिजनेस पर और अपनी जो मैरिड लाइफ है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा, जिन लोगों के साथ भी आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं उनका थोड़ा सा आपको इंक्वायरी जरूर कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही चंद्रमा का ये ट्रांजिट है तो आपको थोड़ा सा ये भावुकतापन जरूर लेकर आएगा आपके अंदर शुरुआती 2 दिनों में। और ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी भी होगी। इसके अलावा आपका जो संबंध है आपके बिजनेस पार्टनर से वो अच्छा रहेगा और आपका जो लाइफ पार्टनर है उससे भी आपका संबंध काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर शुरुआती जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। चंद्रमा यहाँ से आपके राशि स्थान को देखेंगे। राशि स्थान को देखने से आप थोड़ा सा खुद पर भी ध्यान देंगे और खुद के बारे में भी आप बहुत ज्यादा सोचेंगे। चंद्रमा जब राशि स्थान को देखते हैं तो थोड़ा सा आपको इमोशनल बना सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति की कही गई बात का बुरा आपको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और आप अपने मन पर कंट्रोल इस समय में अवश्य रखें शुरुआती 2 दिनों में। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति आपके अष्टम भाव में हो जाएगी 3 और 4 अक्टूबर के लिए। 3 और 4 अक्टूबर चंद्रमा जब अष्टम में चले जाएंगे तो अगर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही अच्छी है तो इस समय में अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं और आपका जो जो भी धन आपके पास आएगा इस समय में उसकी आप बचत कर सकेंगे। आपको खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित स्थिति में है तो आपको धन का नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा आपके कहीं एक्सीडेंट वगैरह की संभावना बनती है तो 3 और 4 अक्टूबर को आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए अगर आप वाहन चलाते हैं, अगर आप बाहर ड्राइविंग के लिए निकलते हैं तो। इसके साथ ही जो मैरिड हैं उनको अपने ससुराल पक्ष से काफ़ी लाभ मिलेगा और पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावना बनती है। अचानक धन की प्राप्ति होने से आपको काफ़ी खुशी होगी और आपके जो अभी तक जो काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, विशेषकर जो स्टूडेंट्स रिसर्च से जुड़े हैं या जो भी अकल्ट साइंसेस की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा गोचर रहने वाला है। इसके साथ ही साथ क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 तारीख को जो मंगल है वो वापस मीन में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो मीन में ट्रांजिट होने से थोड़ा सा आपका जो लाइफ पार्टनर है उनकी सेहत को लेकर थोड़ी सी समस्या आपको जरूर रह सकती है या थोड़ा सा मनमुटाव की जो स्थिति है वो फिर से शुरू हो सकती है। इस समय में थोड़ा सा ये सावधानी आपको बरतनी होगी, बाकी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। चंद्रमा यहाँ से आपके सेकेंड हाउस को देखेंगे। सेकेंड हाउस को देखेंगे तो आप अगर एक सिंगर हैं या आप एक बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वाणी के माध्यम से कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादातर काम बोल के करना पड़ता हो तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आपको धन मिलने की संभावना रहेगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से भी ऐसा काम करके पैसा कमा सकते हैं और आपकी वाणी थोड़ी सी विनम्र हो सकती है चंद्रमा की सेकेंड हाउस पर दृष्टि होने से और परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। और थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी खान पान की आदतों पर अवश्य देना चाहिए। इसके बाद जो स्थिति रहेगी चंद्रमा की वो आपके नवम भाव में रहेगी। नवम भाव में चंद्रमा आपके लिए यहाँ पे जो प्रवेश करेंगे 5, 6 और 7 को, 5, 6 और 7 अक्टूबर को चंद्रमा नवम में रहने से दूर की यात्राओं से लाभ होगा। दूर की यात्रा करने के लिए आपका मन बनेगा और कुछ छोटी दूरी की यात्राएं भी आप करेंगे जिनसे आपको विशेष लाभ हो सकता है।
इस समय में फादर का आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। इससे कोई भी ऐसा काम जो आपने भाग्य के भरोसे छोड़ा हो, जो पूरा नहीं हो पा रहा, जहां पर आपको भाग्य का साथ चाहिए, ऐसा काम आप इस समय में कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा के यहाँ ट्रांजिट से आप फॉरेन ट्रेवल के लिए भी जा सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, विशेषकर वो स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ होगा। 3 दिनों में अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई हायर डिग्री करना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, और उसमें कोई परेशानी आ रही है, तो वो आपकी दूर हो जाएगी। तो ये समय काफ़ी खास आपका रहने वाला है, और कुल मिलाकर इस समय में आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि इस समय में भाग्य का अच्छा साथ आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपका हर काम बनता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च के भी रहेंगे, उच्च के चंद्रमा होने से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई तो फिर और भी आपको फायदा होगा। तो ये जो समय है वो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू कोई काम कर रहे हों, या ऐसे लोगों को फायदा होगा जो मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, और जो एंकर लोग हैं, जो न्यूज वगैरह का काम करते हैं, जो पत्रकार हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा जो जातक कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो भले ही, उनको बहुत फायदा होगा। जो राइटर हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, अगर आप कोई आर्टिकल राइटिंग करते हैं, या आप बुक्स के राइटर हैं, या फिर आप ऐसा कोई काम करते हैं जैसे पब्लिकेशन वगैरह चलाते हैं, आप पब्लिकेशन का काम करते हैं, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपके भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और उनसे आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपको जो भी काम आप करेंगे उसमें सहायता अवश्य मिलेगी। तो ये जो ट्रांजिट चंद्रमा का रहेगा, ये बेहद आपके लिए खास रहेगा, और इस समय में कोई भी ऐसा रुका हुआ जो काम है वो आपका बनेगा। पिता का अच्छा सहयोग और भाग्य का अच्छा साथ मिल जाने से कोई भी ऐसा काम आपका बचेगा नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। तो इस समय में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करके काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर इस वीक में अगर देखा जाए तो आपके लिए 3 और 4 तारीख जो है अक्टूबर की, उसमें थोड़ी सी समस्या हालांकि ज़रूर हो सकती है, थोड़ा मानसिक तनाव वगैरह की स्थिति बन सकती है, लेकिन फिर भी आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो धन को लेके जो स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, वो शुरुआती 2 दिनों के लिए रहेगी, और अगर आपकी चंद्रमा अच्छी स्थिति में कुंडली में, तो आपको पूरे वीक में ही पैसा आता रहेगा, और विशेषकर जो आपका खर्चा होगा वो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए हो सकता है, अपने परिवारजनों के लिए खर्चा हो सकता है, और कहीं एजुकेशन के लिए खर्चा हो सकता है, या कहीं दूर जाने विदेश यात्रा के लिए खर्चा हो सकता है, बाकी आपका ज़्यादा खर्चा इस वीक में नहीं होगा। तो इस वीक में अगर देखा जाए तो पूरा वीक ही आपके लिए अच्छा है, और जितना आप इसको बेहतर बना सकते हैं उतना कोशिश कीजिए, और जितनी आप मेहनत करना चाहते हैं उतनी मेहनत कीजिए। अगर आपको और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। इसके साथ ही इस वीक में आप कन्या राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 8, और आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा ब्लैक, यानी काला रंग। तो फिलहाल बस इस साप्ताहिक राशिफल में आपके लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।